नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है एंड मैं पीएम वाणी वाईफाई ऑपरेटर दिल्ली से हूँ। ये हमारा पीएम वाणी वाईफाई राउटर है जो कि बेलगम में इंस्टॉल किया जा चुका है। आप भी ऐसे ही राउटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी वीडियोस हमें भेज सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा अपने बेलगम कर्नाटका की। बेलगम जगह है, बेलगम के केबल ऑपरेटर्स हैं जो मैंने अभी बात की थी। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सलमान से, अरबाज से, जो डॉक्टर अरबाज, दोनों भाई हैं ये। और अभी शायद आपने इनके फादर की वीडियो भी देखी हो, KGN केबल ऑपरेटर्स के नाम से इनकी फर्म है बेलगम में, एंड दे हैव टेकन डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ बेलगम। बेलगम जो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो मोर देन 7 to 10 lakhs है। रूरल अराउंड 1200 तालुकाज है। तो सलमान जी आप बताइए, क्या आपके दिमाग में है, अरबाज जी आपके दिमाग में क्या है, ये जोड़ी क्या करने वाली है वाईफाई ऑपरेटर्स में, आप क्या कर सकते हैं? मतलब आपके पास तो 30 साल की लेगेसी है आपके फादर की, इतना बड़ा सेटअप है, 2500 कनेक्शन ऑलरेडी है, तो इसको आगे कहाँ लेके जाएंगे आप? पहले तो हम देखते थे कि हमारे पापा स्टार्टिंग से ही, हम पैदा ही नहीं होते तब से केबल का वो करते हैं, तो तभी एक अलग दुनिया थी, सभी केबल वाली दुनिया थी। अभी इसके आगे जो भी है, जो भी पूरा वाईफाई अभी चल रहा है, और वाईफाई है, बट केबल भी ऐसा नहीं अब्सोल्यूट हो जाएगा, केबल भी रहेगा, केबल खत्म नहीं होगा, केबल अभी छोटा हो गया है। अब जो भी है इसके आगे होने वाला नया टेक्नोलॉजी जो भी है वो वाईफाई का ही है। अभी हम भी 2 साल हो गया लगभग वाईफाई स्टार्ट किए हैं, ब्रॉडबैंड वाला। अच्छा, ऑलरेडी किया है? हाँ। तो क्या रिस्पांस है? बहुत अच्छा रिस्पांस है वाईफाई का। कैसे उस रिस्पांस को आप कैसे कहेंगे कि मतलब डिमांड ज्यादा है, क्या प्लान आप चला रहे हैं वहां पे, कितने का कलेक्शन दे रहे हैं, क्या स्पीड दे रहे हैं? स्पीड हमारा ऑलमोस्ट 300 Mbps तक भी है क्या, और 100 का भी है, और 50 का भी है, 25 का भी है, 10 का भी है। ओके, है हमारे ही कंपनी का, हम वाईफाई चलाते हैं। ओके, बहुत बहुत अच्छा है वाईफाई, और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। खुद डिमांड आ रही है या आपको पुश करना पड़ रहा है? नहीं, खुद डिमांड आ रही है सामने से। अच्छा, और बहुत अच्छा चल आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो ये फ्रेमवर्क है कंपनी का, इससे केबल इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूम मिलेगा? मतलब केबल इंडस्ट्री अगर मान लो इस टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करती है या इसको ऐड करती है, उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी अर्निंग में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या कमा सकता है केबल ऑपरेटर, क्या कमा सकता है ISP ऑपरेटर? और केबल ऑपरेटर आजकल, केबल ऑपरेटर और ISP का जो मिक्सचर है कि केबल और ISP दोनों बनना, इंटरनेट भी देना, ब्रॉडबैंड भी देना, 3-in-1, उसका क्या इम्पैक्ट है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात ये, हम क्या सोचे थे कि ऐसा कुछ हो जो घर के बाहर लगे और वहाँ के जो लोग रहेंगे उनको सब कुछ मिले। ये ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हम सोचे थे, सोचा था। ये अब्बा से बात हुई थी कि ऐसा, अब्बा पहले से ही इसके पीछे हैं, मतलब ऐसा कुछ करें जिससे वहाँ के जो भी एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनको बाहर से ही वाईफाई मिले, घर तक जाना ही नहीं पड़े, बाहर से ही ऐसे वाईफाई बिठाओ कि ऐसा कुछ है। तो मेरे को बोलते थे, इनको बताते थे कि ऐसा कुछ है, टेक्नोलॉजी ढूंढो, थोड़ा करो। अच्छा। तो फिर पता नहीं कहाँ से हुआ, ये है एक्चुअल में जो हम सोच रहे थे वो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है, बट उस टाइम तक तो केबल आ चुका था 1.5 साल। हाँ, नहीं, वो सिर्फ बात चल रही थी तब तक, मतलब है बोल के पता नहीं था। देखिए, ये अभी बता रहा हूँ, अभी भी जिन लोगों को, जैसे इनको पता लग गया है अभी, मैक्सिमम क्या 99.9% लोगों को भी अभी पीएम वाली के बारे में आज भी नहीं पता, नहीं पता, ये सच है। हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि ऐसा कुछ करें तो ये है एक्चुअली, तो हम इससे जुड़ के जो हमें पूरा सभी मॉडल वॉडल रेडी करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहाँ से हमको हेल्प मिल रहा है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और यहाँ से इनके साथ जुड़ के हम वो काम एक्सिक्यूट कर सक रहे हैं। हर तालुका में एक फ्रेंचाइज बनाएंगे आप? हाँ, फ्रेंचाइजी अभी हम लोग तो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के वो ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो फ्रेंचाइजी तो सभी के लिए ओपन है, कोई भी हो, बेलगाम से हो, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के कोई भी तालुका से हो, या फिर किसी भी कर्नाटक से कहीं से भी हो, पूरे इंडिया से हो, नागालैंड से हो, केरल से, कहीं से भी हो, आप यहाँ पे, सर ने ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना सभी डिटेल्स रहेगा, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट में हैं, आप कहीं से भी इनसे मिल सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन है, और ये पूरे इंडिया में डील कर रहे हैं, एंड घंटी भी हम दे रहे हैं, तो जब आप बात करें और जब आपसे इनकी बात हो तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इतना बड़ा लेगेसी, मैं कह रहा हूँ लेगेसी, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि केबल की दुनिया से आए हुए लोग, दोनों के दोनों यंग, और 4 भाई हैं अभी भी शादी भी, पहले मुबारक हो आपको शादी की, और
अभी हनीमून में जाने से पहले इनके अब्बा ने इनको हॉपिंग फ्लाइट जिसे बोलते हैं यहाँ से अभी श्रीनगर जा रहे हैं, तो हनीमून श्रीनगर क्यों चुना आप? अभी रिसेंटली लास्ट वीक गोवा जाके आए हम लोग, अभी यहाँ से नहीं मतलब पहले कभी श्रीनगर गए? नहीं गए कभी, नहीं गए हैं। तो अच्छा दोनों के साथ ही बता दी एक ही साथ है भाई, वो उनका माइंड थोड़ा अलग है। तो अंकल जी कहते हैं कि मैंने पहले भी ऐसी एक दो की इकट्ठी करी थी, तो मतलब आपको लगा नहीं कि दोनों की इकट्ठी हो रही है, ज्यादा मजा आया होगा? हाँ मजा तो बहुत आया भाई, इसके भी फ्रेंड्स आपके भी फ्रेंड्स सभी सभी है सभी। हाँ। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। आप में से बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। ये बड़ा कितने साल बड़े हो? तीन साल। अच्छा 3 साल गए? तीन साल के। और केबल आप संभाल रहे? केबल मैं संभालता हूँ पूरा फुल टाइम। हाँ फुल टाइम केबल मैं ही संभालता हूँ। कितने साल से संभाल रहे? मैं 6 years हो गया। 6 साल हो गए? हो गए। 15 साल की उम्र से जो केबल संभाल रहे हैं आप समझिए कि उसके ब्लड में कितना केबल घुस गया होगा। आज की डेट में पंचिंग से लेके सब काम खुद कर लेते हैं? हाँ कर लेते हैं, और वर्कर्स भी है मेरे। अच्छा वर्कर्स? हाँ वर्कर्स भी है। हाँ तीन वर्कर्स है। तीन वर्कर भी है। तो आज स्पेशली जब यहाँ से पूछे पूरी फैमिली लेके आए हैं, तो मैं चाहूंगा इस टाइप से आप भी फैमिली प्लान करें अपनी, मतलब आते हुए जाते हुए यहाँ पे रुके। हाँ। देख के जाए, समझ के जाए, नई टेक्नोलॉजी जुड़े। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी में कितना मतलब कितना बड़ा शिफ्ट है ये केबल इंडस्ट्री के लिए? वाई फाई ऑपरेटर बनना, मीडिया ऑपरेटर बन जाना, कनेक्ट से भी पैसे कमाना बिना वायर के? बिना वायर के तो ऐसे करना बहुत मुश्किल है, पर ये जो P1 वानी का जो अभी हमें मिला है जो डिवाइस है उससे हमारा काम बहुत इजी हो सकता है। अच्छा क्या? बहुत इजी हो सकता है और लोगों को बहुत बेनिफिट है उससे। आप गेटवे बन रहे हैं, आप इवन में जाकर मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों के आने से अवेयरनेस जल्दी बढ़ेगी। हाँ अगर आप लोग करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा लोगों को। यंग जनरेशन ही तो है, आगे बढ़ाएगा इंडिया, आगे बढ़ाएगा। और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मॉडल है कि आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, इनके साथ जुड़ के आप 100% मतलब देखा जाए आप मेहनत मत करिए, मेहनत इनकी राउटर के पैसे आपके। हाँ। जो कमाई वो आधी आधी। सही बात। क्या हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। हम इन्वेस्टर्स अगर सुन रहे हैं तो बेसिकली ये वाला मॉडल भी ओपन है कि आप पैसे लगाइए और आप कोई मेहनत मत करिए, मेहनत इनकी रहेगी, जो कमाई होगी आधी आधी, वो बैठ के बातचीत हो सकती है, उसका मॉडल बन सकता है, एक पिच है। तो सलमान जी अरवाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आने के लिए, और बहुत बहुत विशेष हमारी तरफ से और सभी व्यूअर्स की तरफ से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा दोबारा आप आए वाई फाई ऑपरेटर्स में, एक सक्सेसफुल वाई फाई ऑपरेटर बन गए हैं इंशाल्लाह। कंपनी का नाम रखा है KGN बेलगांव वाई फाई ऑपरेटर्स, तो ऐसे ही आप भी नाम रख के शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। और आप ऐसी वीडियो देखते रहिए, उनको प्यार देते रहिए, आपकी विशेष की बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।